एक जंगल में टूना चिड़िया अपने पति और सास के साथ रहती थी। टूना की सास टूना से बहुत दुखी थी। टूना को जब भी कहीं सेल दिखती, वो सस्ते के चक्कर में सब खरीद लाती, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। एक बार टूना बीमार होती है, डॉक्टर को दिखाने जाती है, लेकिन वहाँ से भी शॉपिंग करके आ जाती है। टूना की सास ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। एक दिन की बात है, उसके घर के बाहर बंटी कौवा आता है सर्फ बेचने। वो टूना को 1 किलो के साथ 4 किलो फ्री का ऑफर देता है और वो खुशी खुशी ले लेती है। ये देखकर टूना की सास टूना से कहती है, अरे ओ टूना, तुम सुधरती काहे नहीं हो, कितना खर्चा करती हो बिना बात के। चलो अब बाहर जाना है, जल्दी से कपड़े पहन लो। टूना जो नए कपड़े लाई थी वो निकालने लगी तो उसने देखा वो फटे हुए निकले, तो उसने सोचा जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। उसने नया वाला सर्फ का पैकेट निकाला और कपड़े धोने लगी, लेकिन उस सर्फ से उसके कपड़ों का रंग खराब हो गया। जब थोड़ी देर बाद टूना की सास आई तो उन्होंने देखा कि टूना रो रही है। फिर उसकी सास ने उसे बड़े प्यार से समझाया, मेरी बिटिया, बिना जरूरत के सामान मुफ्त में भी मिले तो नहीं लालच करनी चाहिए। हाँ माँ जी, आप सही कहती हो, मैं ही लालच में नुकसान कर बैठी और घर के पैसे बर्बाद कर दिए, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद टूना को सबक मिल गया कि लालच बुरी बला है। एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस का तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी, कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली बचवारे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है, कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है, क्या पता सुबह उसकी आँख ही ना खुले, जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो, होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है, मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहाँ से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुँच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए, और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया, टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली, अब हम क्या करें। अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं, उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे, इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में, देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहाँ से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भाग कर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, पर तुम तो सुनते ही नहीं, क्या होता अगर हम ना आ पाते,
क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता? मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जिंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।